तो वही सुबह के बज चुके हैं 5:45 और मैं निकलता हूँ टेंट से बाहर, तो कुछ इस तरीके का भी मॉर्निंग हो रहा है। आय हाय, ठंड बहुत ज़्यादा है। रात को अंदर भी ठंड लग रही थी बट इतनी नहीं। आज तो खैर झेल लिया, देखते हैं कल क्या होता है। और टेंट के हो चुके हैं बुरे हाल, उसके ऊपर पूरा पानी पानी हो गया है, वो जम चुका है। तो आई थिंक इसको मैं पानी को थोड़ा सा झाड़ दूंगा एंड दिन में 12-1 बजे कहीं 1-2 घंटे का रेस्ट करूंगा। तो इस टेंट को खोल के सुखा दूंगा, तेज़ धूप हो रही होगी अगर रास्ते में कहीं, तो नहीं तो फिर आज स्टैंड करना मेरा मुश्किल हो जाएगा यार। और देखो सामने जुनबेसी वैली, और अब निकलेंगे यहाँ से हम रिंगमू की तरफ इस रास्ते से। तो इस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे पानी था, तो मैंने सोचा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ एंड देन आगे जाऊँगा। तो रास्ते में ना आपको ऐसे छोटे छोटे वाटर क्रॉस बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। मैं जुनबेसी से निकला और ऐसे वाटर क्रॉस कम से कम मुझे 10-15 पीछे ही मिले थे और आगे भी होंगे, तो यहाँ पे ऐसे वाटर क्रॉस बहुत ही ज़्यादा है। और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे को। तो मैं इस वक्त यहाँ पे पहुँचा हूँ और ये शायद कोई पुराना बगीचा है, नीचे खेत है और ऊपर भी खेत है। और इस बगीचे के किनारे किनारे ये वाले पेड़ बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, इस तरीके के पेड़। और एक्चुअली इसको शायद टिमरू बोलते हैं और टिमूर बोलते हैं इंडिया में एंड नेपाल में आई थिंक। और इसके दाने होते हैं छोटे छोटे, तो वो स्पाइसेस के मतलब मसालों के मसालों में यूज़ करते हैं, चटनी बनाने में, खाना बनाने में। तो उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है, एकदम ही मतलब जीभ में लगने वाला मिर्च टाइप का, और मिर्च से भी बहुत डिफरेंट सा उसका फ्लेवर होता है। इसके पेड़ यहाँ पे बहुत ही सारे हैं, एक तो ये है और एक ये है, और ऊपर की साइड भी देखे थे मैंने, पीछे से आते हुए भी बहुत देखे थे। तो ये लोग टिमरू का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं खाने में और चटनी में। और एक दूसरा पेड़ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनका बगीचा होगा। तो ये लोग टिमरू का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक्चुअली टिमरू जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली आइस के लिए, आँखों की जो रोशनी बढ़ाने के काम आता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है इसलिए ये लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली अगर आप सामने के पहाड़ों में देखोगे तो जितने भी घर हैं मोस्टली सारे घरों के स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं, और इनके छत मोस्टली सबके ब्लू है, और इनके जो विंडोज़ के कॉर्नर होते हैं वो भी ब्लू है। तो आई डोंट नो कि ये सब घर एक जैसे क्यों हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली घर सारे एक जैसे हैं। और जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा है, एक्चुअली कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा लेकिन अगर सामने सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा जन्नत, स्विट्ज़रलैंड लगेगा यार तुम्हें देखने में। और जैसे मैं सेते मैंने क्रॉस किया एंड सेते में और वहाँ से आगे की साइड में आया, तो मोस्टली जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी लोग हैं, सारे सिरपास हैं। और सेते से अगर पीछे जाओगे बैक तो शिवालय और खिंजा की साइड, वहाँ पे सिरपा और गुरखास थोड़े मिक्स है, लेकिन जितने हाई एल्टीट्यूड में अब मैं जाऊंगा आगे और सित्ते के बाद, तो यहाँ पे जितने भी सारे विलेज है वो सारे विलेजेस सिरपास विलेज है। तो इधर आगे भी सारे सिरपास लोग रहते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड में ही रहते हैं नेपाल के, एंड वो यहाँ के हाई एल्टीट्यूड के नेटिव पीपल हैं। तो उनके यहाँ पे उन्हीं के ही सारे विलेज हैं, और वो लोग हाइकिंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो सीज़न चलता है माउंट एवरेस्ट का, तो वो एक्चुअली सिरपास ही कराते हैं, उनकी जो कम्युनिटी होती है सिरपा कम्युनिटी वो ही करवाते हैं। तो वो हाइकिंग के मतलब मास्टर होते हैं भाई, उनसे कोई नहीं जीत सकता, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। और जो फर्स्ट क्लाइम जिन्होंने सबसे पहले क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट, तेंजिंग नॉर्वे और
हिलेरी, तो उसमें से एक शेरपा था और एक था हिलेरी जो कि स्विस था, स्विट्जरलैंड से था। तो भाई शेरपास तो मतलब नेक्स्ट लेवल के ये क्लाइंबर होते हैं। और एक्चुअली इन्हें बेनिफिट ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, तो इनको मतलब इनके जेनेटिक्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि ये इस हाई एल्टीट्यूड में इजीली सरवाइव कर पाए। तो यही बेनिफिट है शेरपास का। तो अभी मैं जुन बेसी से करीबन 3-4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और इस टाइम धूप पूरी निकल चुकी है, बढ़िया सी खिली खिली सी धूप। और यहाँ से जो व्यू है ना, नेक्स्ट लेवल। नीचे नदी है, नदी में इन्होंने डैम टाइप का कुछ बना रखा है नीचे, आई थिंक डैम ही है। और इस तरीके का यहाँ का एकदम प्यारा व्यू है। चॉपर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं, हर 10-10 मिनट में चॉपर या फ्लाइट निकल रहा है। एंड यहाँ से मैं आया था जुनबेसी से और आगे रिगमू की साइड में जाऊँगा। यार यहाँ के विलेज इतने प्यारे हैं ना, एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ के विलेज में कि जो यहाँ के विलेज हैं और जो यहाँ के रास्ते वगैरह हैं वो इतने साफ़ है ना। एक तो यहाँ की हवा बहुत क्लीन है एंड एयर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। बट जो यहाँ के गांव है और जो यहाँ के रास्ते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। मतलब एक भी कूड़ा आपको, मतलब छोटे से टॉफ़ी का कचरा भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इतना साफ़ सुथरा है ना। आई थिंक जो टूरिस्ट भी आते हैं वो भी गंदगी नहीं फैलाते, और जो यहाँ के लोकलाइट्स रहते हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं। तो मतलब हल्की सी भी इन्होंने कहीं पे भी, मुझे अभी इतना मैंने सफ़र तय किया लेकिन रास्ते में मुझे कहीं भी छोटा सा कबाड़ा, एक कबाड़ा तक नहीं दिखा। एंड जो इनके गांव है, गांव से होते हुए आया तो गांव के अगल बगल भी कहीं पे भी कचरा नहीं फेंका हुआ था। आई डोंट नो कि ये अपना कचरा कहाँ डालते हैं, कोई प्रोसीजर होता होगा या फिर ये रिसाइकिल करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन इनके गांव इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। तो भाई सामने देखो यार, बार्किंग डियर सामने वो मुझे देख रहा है। अभी यहाँ से गया वो भागते हुए एंड वो वहाँ पे पहुँचा और वो वहाँ जाके मुझे देख रहा है। भाई साहब नेक्स्ट लेवल फीलिंग यार। और वो अब चले गया है आगे की साइड, तो उसे जाने दो, हम जाते हैं आगे की साइड।